अब्रार कहाँ खोए हुए हो? गुजरे हुए अच्छे वक्त में खोया हुआ था, जब मीशु भैया सब साथ थे। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा घर एकदम से वीरान हो गया? इतना सन्नाटा है जैसे जैसे कब्रिस्तान हो। प्लीज अब्रार, ऐसी बातें ना करो। जो हो गया है उसे कबूल करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। मानो मैंने जब से नीनू से बात की है, उसके लहजे की वीरानी मुझे भूल ही नहीं रही है। यही वो नीनू थी जो हर वक्त हंसी खुशी रहती थी, सबको खुश रखती थी, मुस्कुराती रहती थी। पर शायद अब वो होंठ कभी ना मुस्कुरा सके। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह। वक्त और हालात एक से नहीं रहते, बदलते वक्त के साथ जख्म के घाव भर जाते हैं। और नेहा के पास तो जीने की वजह भी है। देखना, जब इकरार भाई की औलाद को वो अपनी गोद में उठाएगी ना, तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठेगा। मुझे बेसब्री से उस वक्त का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा, और फिर देखना, इस घर की सारी वीरानी खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। तुम कब आई? आज सुबह ही आई। रिफत खाला नहीं नजर आ रही। वो बाजार गई है कुछ लेने। तुम निकली नहीं अभी तक इन तावीजों के चक्कर से? तुमसे मतलब? मुझे बहुत अफसोस होता है तुम्हारी इन छोटी सी जहनियत पर। कैसे यकीन कर लेते तुम इन फजूल सी बातों पर? मुझे तो बहुत अफसोस होता है। और जिस पे तुम्हें यकीन करना चाहिए उसके अहकामात को तो तुम भूल ही गई हो। सुनो, मैं तुमसे यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। रिफत खाल आए तो बता देना मैं आई। अच्छा अच्छा बैठो तो, मैं नहीं करती ऐसी कोई बात। तुम दोस्त हो ना मेरी, मुबारकबाद नहीं दोगी? किस बात की मुबारकबाद? तुम खाला बनने वाली हो। मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। वैसे अब तुम्हें भी चेकअप करवा लेना चाहिए, काफी टाइम हो गया तुम्हारे मिसकैरेज को। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चे पालने का। ऐसा ना बोलो आफरीन, बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं और इनसे तो रिश्ते मजबूत होते हैं। और वैसे भी तुम्हारी तो सौतन भी है उस घर में। हाँ तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वकार को वैसे भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मर्द की दिलचस्पी बदलने में ना टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं होगा, वकार सिर्फ मुझसे प्यार करता है। कभी कभी प्यार भी मर्द को दूसरी बीवी का होने से रोक नहीं पाता। तुम मुझे डरा रही हो? मैं तुम्हें डरा नहीं रही, सिर्फ समझा रही हूँ। अगर तुम्हें अपना रिश्ता मजबूत करना है ना, तो तुम अपनी फैमिली प्लानिंग की तरफ जाओ, सोचो। तौबा है माजबीन, तुम्हारे साथ तो कोई बैठे ना तो टेंशन से ही मर जाए। मैं जा रही हूँ, खाला को बता देना। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की।